हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अगर मैं साधारण शब्दों में बोलूँ तो मैं कहूँगी मेंटल डेवलपमेंट, यानी हिंदी में मानसिक विकास। मानसिक विकास का ही दूसरा नाम होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। अब मानसिक विकास क्या होता है ये तो हमें पता है। मानसिक विकास मतलब हमारी मानसिक शक्तियों का विकास। दिमाग से जुड़ी हमारी जितनी शक्तियां हैं, जब इनका विकास होता है तब हम कहते हैं कि भाई हाँ, मानसिक विकास हो रहा है। और दिमाग से जुड़ी हमारी शक्तियां क्या क्या होती हैं, जैसे सोचना, समझना, विचार करना, संश्लेषण, विश्लेषण, तर्क करना, जब इन सारी शक्तियों का विकास होता है तब हम बोलते हैं कि भाई हाँ, मानसिक विकास हो रहा है। पता चल गई बात। अब थोड़ा जानते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे जो थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये क्वेश्चन DSSSB में पूछा जा चुका है कि जीन पियाजे कौन से देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो आप क्या कहेंगे कि वो थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, हाई इंटेलेक्चुअल लेवल था। 22 साल की उम्र में PhD कर ली थी इन्होंने जूलॉजी में। इतनी छोटी सी उम्र में, 22 साल की उम्र में मात्र जूलॉजी में PhD कर ली थी। ठीक है, इन्होंने जो है तीन बच्चे थे इनके, अपने तीन बच्चों के ऊपर इन्होंने स्टडी करी थी और उसके बाद संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अब वो स्टडी इन्होंने कैसे करी थी, जब इनके बच्चे पैदा हुए तब से लेकर किशोरावस्था तक, एडोलेसेंस तक, ये अपने बच्चों का बड़े ध्यान से, बड़ी बारीकी से ये निरीक्षण करते रहे और ये देखते रहे कि किस उम्र में बच्चे में मानसिक विकास किस किस तरीके से हो रहा है, किस उम्र में बच्चे में कौन सी मेंटल एबिलिटी डेवलप हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने बच्चों का अध्ययन करते रहे और उसके बाद इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया उसके आधार पर। ठीक है, और उस अवस्था जो इन्होंने सिद्धांत दिया है उसमें इन्होंने चार स्टेजेस बताई हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए, इन्होंने जो है जीन पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा था, लिटिल साइंटिस्ट। इन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा था बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, जीन पियाजे ने। इन्होंने बच्चों को एक्टिव लर्नर कहा था, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बच्चों को एक्टिव लर्नर किसने कहा था, जीन पियाजे ने। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जीन पियाजे के बारे में। अब मैंने आपको बताया इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर स्टडी करी थी, स्टडी करने के बाद इन्होंने जो है मानसिक विकास का ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने जो है चार स्टेजेस दी हैं। ठीक है, पहली स्टेज कौन सी है देखिए, पहली स्टेज है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। पहली अवस्था का नाम है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंग्लिश में मैं इसको बोलूं तो सेंसरी मोटर स्टेज, यही बोलूंगी, सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी जो इन्होंने आयु दी थी कि कौन सी आयु से लेके कौन सी आयु तक बच्चा इस अवस्था में होता है, तो वो आयु दी थी इन्होंने जन्म से दो वर्ष की आयु तक बच्चा इस अवस्था में होता है। कुछ बच्चे इसको 0 से 2 वर्ष बोल देते हैं, लेकिन आप वो मत बोलिए, वो गलत हो जाएगा। 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, लेकिन अगर बच्चा माँ के पेट में 9 महीने तक पला है, बड़ा है, तो हम उसको 0 तो नहीं कह सकते, यानी जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, इस अवस्था में इन्होंने कुछ अवस्थाएं, कुछ और विशेषताएं बताई है किस किस तरीके से बच्चा सीखता है। तो देखिए, पहली जो चीज है इंद्रियों के माध्यम से, यानी सेंसेस के माध्यम से, नाम में भी आ रहा है ना, सेंसरी, सेंसेस, इंद्रिय जनित, इंद्रियां आ रहा है, इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। कोई भी छोटे बच्चे को आप कोई खिलौना देते हो, बच्चा हाथ में पकड़ता है ना, उसको मुंह में डालता है, बच्चा हर चीज को चूसता है, यानी कि वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जानने की कोशिश करता है। ठीक है, तो बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अपनी जरूरतों को बताने के लिए भी जो बच्चा है अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करता है। हमारी सेंसेस 5 होती है, ये तो आपको पता ही होगा, कौन कौन सी, नाक, कान, आंख, जीभ और हमारी स्किन।
तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से बच्चे अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपनी ज़रूरतों को बताते हैं। जैसे अगर बच्चे को भूख लगी है तो बच्चा रोकर बताएगा, यानी अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके बच्चा अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए, क्या इस अवस्था में बच्चे का भाषा विकास हो चुका होता है? नहीं, इस अवस्था में बच्चे का भाषा विकास नहीं हो पाता, इसीलिए तो अब वो अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करता है। क्योंकि अगर भाषा विकास हो चुका होता तो बच्चा बोल के अपनी ज़रूरतों को पूरा करवा लेता, लेकिन अभी उसके भाषा का विकास नहीं हो पाया है, इसीलिए बच्चा जो है सेंसेस के इस्तेमाल कर रहा है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सेंसेस का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तीसरी जो चीज़ आती है अनुकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इमिटेशन। अनुकरण क्या होता है? अनुकरण होता है नकल करना, नकल करके सीखता है बच्चा, नकल करता है दूसरों की, बड़ों की नकल करके सीखता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों के मम्मी पापा है ना, बच्चों के सामने बोलते हैं बेटा बोलो पापा, माँ, दादा, तो बच्चा वो चीज़ें सुनता है, अनुकरण करता है और फिर वैसे ही बोलने की कोशिश करता है। पीछे पीछे बच्चा बोलने की कोशिश करता है, बोलता है पापा, है ना। तो ऐसे करके अनुकरण के माध्यम से बच्चा जो है सीखता है, इमिटेशन, नकल करके सीखता है। जो चौथी चीज आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है वस्तु स्थायित्व, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट परमानेंस, क्योंकि उधर जगह नहीं बची। परमानेंस, अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? देखिए, जैसे अगर कोई एक साल का बच्चा है, किसी खिलौने से खेल रहा है, आप उसके पास गए, आपने उसका खिलौना लेके ऐसे अपने पीछे छुपा लिया, तो क्या अब वो बच्चा आपके पीछे खिलौने को ढूंढने की कोशिश करेगा? नहीं, बच्चा खिलौने को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। जो इतने छोटे बच्चे होते हैं, इनके लिए बस उन्हीं चीज़ों का अस्तित्व होता है जो कि बच्चों के आँखों के सामने होती है। जो चीज़ें आप बच्चों के आँखों के सामने से हटा दोगे, उन चीज़ों का अस्तित्व भी बच्चे के लिए समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा अपने खिलौने को ढूंढने की कोशिश नहीं करता। लेकिन अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ है ना, 2 साल का पौने 2 साल का हुआ, इस अवस्था के एंड तक आ गया, एंड कितने में है? 2 वर्ष। तो जब इस अवस्था के एंड तक आता है, मतलब बड़ा हो जाता है, 2 पौने 2 साल का हो जाता है, अब आप उसके खिलौने को छीन लीजिए, है ना, चद्दर के नीचे डाल दीजिए, तो बच्चा खोजेगा कि मेरा खिलौना इन्होंने छुपाया है। आपके पीछे आके देखेगा, वो चद्दर के नीचे ऐसे खोजेगा कि मेरा खिलौना इन्होंने यहाँ छुपाया है। यानी कि क्या है कि वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। इस अवस्था की शुरुआत में नहीं आता वस्तु स्थायित्व का गुण, वस्तु स्थायित्व का गुण इस अवस्था के एंड में आ जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में कौन सी अवस्था में आ जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। एज पूछ ले जन्म से 2 वर्ष, और आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा कि पियाजे के अनुसार। ठीक है, तो ये हमारी पहली अवस्था थी, इतनी ही है पहली अवस्था, ज्यादा जानने के लिए कुछ है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली बात है, सेंसेस के माध्यम से सीखता है और ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। दूसरी अवस्था जो इन्होंने दी थी उसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, हिंदी में मैं बोलूं तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब हमने वो वाली जो स्टेज पढ़ी थी उसकी आयु कितनी थी? जन्म से लेके 2 वर्ष। इस अवस्था की आयु है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा कैसे कैसे विकास होता है उसका देखते हैं। पहली बात, आत्म केंद्रित, इंग्लिश में मैं बोलूं तो इको, सेल्फ सेंटर्ड या इको सेंटर्ड, इगो सेंटर्ड। बच्चा जो होता है आत्म केंद्रित होता है, बच्चे को बस अपने आप से मतलब होता है, बच्चे को बस अपने आप की ज़रूरतें कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए, बस इस बात से मतलब होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा किसी चीज़ से खेल रहा है, आप उसको बोलोगे बेटा मत खेलो, आपको चोट लग जाएगी, लेकिन बच्चा आपकी सुनेगा ही नहीं, बच्चे को जिस चीज़ से खेलना है बच्चा उस चीज़ से खेलेगा, है ना। आपने देखा होगा बच्चे कई बार जिद पकड़ के बैठ जाते हैं, मेरे को यही खिलौना चाहिए, उसके मम्मी पापा कितना भी मना करें नहीं बेटा ये खिलौना अच्छा नहीं है आप मत लो, लेकिन बच्चा जिद करता है, नहीं मेरे को यही खिलौना चाहिए। यानी बच्चा जिद्दी होता है, इस अवस्था में आत्म केंद्रित होता है, जिद्दी होता है। ठीक है, उसको बस अपनी जरूरतें पूरी करने से मतलब होता है। बच्चा जो होता है कल्पनाशील होता है, बहुत ज्यादा कल्पनाओं में जो है इस अवस्था में बच्चा रहता है, कल्पनाशील, इमेजिनरी।
यानी कल्पनाओं में जीने लगता है बच्चा। जैसे कि वो एक कागज की एरोप्लेन बनाएगा, बोलेगा इसको लेके कि अब मैं इस पे बैठ के विदेश चला जाऊंगा, है ना। यानी बच्चा कल्पनाएं कर रहा है। बच्चे को राजा रानी की कहानियां इस अवस्था में बहुत अच्छी लगती है। इस अवस्था के बच्चों को कल्पनाएं करना उन्हें अच्छा लगता है, बहुत चीजों की कल्पनाएं करते हैं वो, ठीक है, कल्पनाशील होते हैं। तीसरी चीज आ जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पलटावी सोच, इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल थिंकिंग, ठीक है, पलटावी सोच, पलटकर सोचना। इस अवस्था में जो है बच्चे में पलटावी सोच का विकास शुरुआत में नहीं हो पाता, जैसे बच्चे चीजों को पलट कर नहीं सोच पाते, ठीक है ना। जैसे मेरे घर से स्कूल जितना दूर है, स्कूल से भी मेरा घर उतना ही दूर है, ये कॉन्सेप्ट पलटने का बच्चे को नहीं समझ में आता। जैसे इसका एग्जांपल आप देखिए, मैंने क्या किया, मैं इसको इधर से बिठा देती हूँ, इंग्लिश में लिखे हुए हैं। मैंने क्या किया, एक मैंने बच्चे के सामने बड़ा गिलास लिया, लंबा और पतला, ठीक है, ऐसा गिलास लिया। एक मैंने लिया चौड़ा और छोटा, ऐसा गिलास लिया। अब मैंने क्या किया, इस गिलास का जो पानी था चौड़े वाले गिलास का, वो मैंने डाल दिया पतले वाले गिलास में, ठीक है, पतले वाले गिलास में डाल दिया बच्चे के सामने ही। अब मैं बच्चे से पूछती हूँ, अच्छा बेटा बताओ कौन से गिलास में ज्यादा पानी है, तो बच्चा क्या बताएगा, बच्चा बोलेगा इस वाले गिलास में ज्यादा पानी है। जो चीजें ज्यादा लंबी उनको दिखती है, बच्चे सोचते हैं वही बड़ी है, ठीक है, जो चीजें लंबी दिखेगी बच्चे उनको बड़ा समझते हैं। यानी पलटकर नई चीजों को समझ पा रहा है बच्चा, यही नहीं समझ पा रहा है कि भाई उसी जो ये चौड़ी वाली गिलास था, चौड़ी वाली कटोरी थी, उसका पानी ही तो लंबे गिलास में डला है। बच्चे पलट के नहीं समझ पा रहे चीजों को। जैसे मैंने जो है सात कंचे लिए, इस हाथ में सात कंचे, इस हाथ में, मैंने बच्चे को बोला बच्चे काउंट करो, बच्चा बोलता है इसमें भी सात है मैम और इसमें भी सात है। अब मैंने क्या किया, जो इस हाथ के कंचे थे मैंने उसको ऐसे पास पास रख दिया, ठीक है, ऐसे मैंने पास पास रख दिया, और जो दूसरे हाथ के कंचे थे मैंने उसको ऐसे दूर दूर रखा, एकदम ऐसे दूर दूर वहां तक रख दिया। अब मैं बच्चे से पूछती हूँ, अच्छा बेटा बताओ कौन से कंचे ज्यादा हैं, तो बच्चा बोलेगा ये वाले कंचे ज्यादा हैं। जो चीजें उनको ज्यादा दूर तक दिखाई देती हैं, ज्यादा बड़े क्षेत्र में दिखाई देती है, बच्चा उन्हीं चीजों को जो है ज्यादा समझता है, ठीक है। यानी पलटकर चीजों को बच्चा नहीं समझ पाता है, ये दूरी वगैरह का कॉन्सेप्ट भी बच्चे को क्लियर नहीं होता है, ठीक है। बच्चे जो है मुद्रा का कॉन्सेप्ट, मनी का कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर नहीं हो पाता है। अगर आप बच्चे को, ऐसे बच्चों को आप 1000 का नोट दे दो और एक तरफ सिक्के दे दो, 2-3 रुपए के भी, तो बच्चा जो है सिक्के को बोलेगा कि मेरे को सिक्के चाहिए। यानी बच्चे को ये नहीं पता कि जो नोट है 1000 रुपए का उसकी वैल्यू ज्यादा है। यानी मनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बच्चे को नहीं समझ में आता इस अवस्था में, ठीक है। और इसका मतलब आप समझ गए, पलट कर नहीं सोच पा रहा है चीजों को। बच्चे को ये तो पता है कि मेरी एक बहन है, लेकिन मेरी एक बहन का भी एक ही भाई हूं मैं, ये चीज बच्चे को नहीं पता चलती, ठीक है, पलट के नहीं समझ पा रहा है चीजों को। जो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पलट कर सोचने का विकास इस अवस्था के एंड तक जाते जाते होता है। जब बच्चा एंड में, यानी 7 वर्ष है ना, 7 वर्ष, 6.5 वर्ष, इस ऐसी जो ये अवस्था होती है, ये जो एज होती है, इसमें एंड में जाके बच्चे में पलट कर सोचने की क्षमता आती है, ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है एनिमिस, जीववाद। जैसे कोई छोटा बच्चा है, चल रहा है फर्श पे, अचानक से गिर जाता है, ठीक है, रोने लगा बच्चा, गिर गया तो रोने लगा। अब जो है बच्चे के पापा आए, बच्चे के पापा ने बोला अरे मेरे बेटे को क्या हो गया, तो बच्चा ये बोलेगा कि मेरे को फर्श ने मार दिया। बच्चे को ये नहीं पता कि फर्श तो निर्जीव है, फर्श तो उसको मार ही नहीं सकती है। तो अब क्या करते हैं उसके पापा कि अब फर्श को भी ऐसे एक्टिंग में मार देते हैं, ठीक है। तो अब बच्चा खुश हो जाएगा कि फर्श ने मेरे को मारा तो मेरे पापा ने फर्श को मार दिया। यानी बच्चे को ये नहीं पता कि फर्श तो निर्जीव है। बच्चे अपनी गुड़िया का बच्चे बहुत ख्याल रखते हैं, है ना। जैसे बच्चे को सर्दी गर्मी लगती है, उसकी गुड़िया को भी वैसे ही सर्दी गर्मी लगती है। उसके बच्चे बाल बनाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, नहलाते हैं। यानी कि क्या है कि बच्चे सजीव निर्जीव में भेद नहीं कर पा रहे। बच्चे को नहीं पता कि उनकी गुड़िया निर्जीव है, उसको भी सजीव समझते हैं। यानी जीववाद का कॉन्सेप्ट शुरुआत में नहीं, इसमें भी अवस्था में एंड तक जाते जाते बच्चा समझने लगता है। शुरुआत में नहीं समझता, एंड तक जाते जाते अवस्था में बच्चा समझने लगता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है गणितीय संक्रियाएं, यानी मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने गलत लिख दिया, गणितीय संक्रियाएं,
यानी मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है, जो थोड़े आसान छोटे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, बच्चा उनको समझने लगता है, जैसे जोड़ घटा करना बच्चे को समझ में आने लगता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बच्चे के थोड़े थोड़े क्लियर होने लगते हैं, ठीक है। तो ये अवस्था हमने पढ़ ली है, दो अवस्थाएं। अगली जो हम वीडियो देखेंगे उसमें हम जानेंगे जो बाकी दो अवस्थाएं हैं उनके बारे में, और पियाजे ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, कुछ प्रत्यय दिए थे, एसिमिलेशन एकोमोडेशन वगैरह, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।